आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जगराओं मेले की शान धन्नो से मिलेंगे, जिसने अपना एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। 27 किलो 250 ग्राम का वो 2021 की विनर है। तो चलिए उससे मिलते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। आज हमारी जो ये जोटी ने अपना जो है स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई जी, सारों को, सारे देश को बधाई। जितने भी हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें पहले इसके बारे में जानकारी दीजिए। भाई जी को तो वर्ल्ड जानता है, सब कुछ है, वो तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन झोटी के बारे में बताएं और उसके बारे में पूरी डिटेल मेरे किसान भाइयों को समझाएं। आज हम PDFA के ग्राउंड में खड़े हैं जी। मेरे साथ मेरे पिता सरदार शेरबाज सिंह और मेरे भाई प्रदीप चौधरी जी, दुर्जनपुर गांव से, हरियाणा से। और भैंस की बात करें तो देखो, इस भैंस का तो डंका फर्स्ट आई है, बहुत खुशी की बात है जी। लेकिन इस भैंस का डंका आज का नहीं, बहुत सालों से गूंजता रहा है। ये वो भैंस है जिसने लोगों को बताया था पहली बार भी, हाँ जी, लोग सोचते थे 24 किलो दूध से ऊपर दूध नहीं हो सकता जी। इस भैंस ने बताया था भी, हाँ, 26 किलो दूध क्या होता है जी। आज से लगभग 6 साल पहले 2015 में इसी ग्राउंड में इसी जगह खड़ी होके जी इस भैंस ने नया रिकॉर्ड PDFA का सेट किया था और फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी जी। और नहीं तो आमतौर पे जी देखो, तब भी तीसरे चौथे ब्यांत थी भैंस, और इतने देर में भैंसें जा लेती हैं बिल्कुल। किसी के थन चले जाता, किसी का अड्डा टूट जाता, किसी का कुछ हो जाता, लेकिन ये साड़ी बुढ़ी शेरनी है जी। और इतनी कर्मा वाली भैंस है भी, आज तक जहाँ गई है वहाँ से जीत के आई है। सर ऊंचा ही ऊंचा रखा, सर नीचा नहीं। बिल्कुल। और आज 6 साल बाद दोबारा इसी ग्राउंड में आके इस भैंस ने जवान भैंसों को भी हरा के फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है और 27.25 किलो दूध तो लिया। अभी जो जो कंपटीशन इसने लड़े हैं, हाँ जी, और जहाँ जहाँ भी इसने भाग लिया है, हाँ जी, वो हम देख सकते हैं, हाँ, हमारे पीछे जो है ये। इसकी बात करें जी, देखो, इंडिया के जितने भी सबसे बड़े मेले हैं, चाहे आप PDFA की बात कर लो, चाहे आप मुक्सर वाले मेले की बात करो, CIRB हिसार में इसने नया रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड सेट कराया था जी 2018 में, चाहे आप मुरा एसोसिएशन के सिंह में मेले की बात कर लो, चाहे HLDB की कर लो, मतलब जितनी चवाइयाँ हो सकती हैं जिस जगह, हर जगह ये शेरनी गई है। मैं पहले बताया था, सर ऊंचा ही ऊंचा कराया है, नीचा नहीं होने दिया। और एक बात मैं और बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ आपको, आजकल हर बंदा बोलता है फेसबुक लाइव। बिल्कुल। मैं ये बता देना चाहता हूँ, फेसबुक लाइव की जन्मदाता ये है। अच्छा, ये पहली एक ऐसी भैंस है ऑल वर्ल्ड की, ऑल इंडिया की, जिससे लाइव स्टार्ट हुई थी 2018 में। उससे पहले लोगों को लाइव करना इसने सिखाया। बिल्कुल। 2018 में मान लो जब इसने नया रिकॉर्ड सेट कराया, तब लाइव चली इसकी और लाइव का शुरुआत होगी। आज जिसको बात कर लो वो लाइव की बात ही करेगा। बिल्कुल। और तो चौई साहब, आप जो है आज जैसे झुट्टी ने अपना स्थान प्राप्त किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो सारी टीम है आपकी, वो टीम किस तरीके से महसूस कर रही है, खुश है, और किसने कितनी मेहनत की है उसके बारे में बताइए। देखो जी, भैंस ने पहला स्थान प्राप्त किया जी, तो स्वाभाविक है अंदर खुशी समाई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा दुख, मैं फर्स्ट का सर्टिफिकेट मेरे को नजर आता है, और उसके बाद सबसे बड़ा तो दुख मेरे को नजर आता है ना, कि मैं कट्टी खो दी हमने इसकी अब की बार जी। बहुत अच्छी कटड़ी पैदा हुई थी, और ऐसी भैंसें कम कटड़ियाँ पैदा करती, अब तक सिर्फ एक ही कट्टी पैदा की, दूसरी अब की बार थी जी, और वो हमारे बीच नहीं है। तो खुशी होने के बावजूद भी मेरे अंदर वो खुशी नहीं है, जो इस खुशी का मेरे को अंदर से जो झूम के बाहर निकलनी थी वो नहीं निकल पा रही है। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें चसक है बात में। तो भाई जी, अभी जैसे इसकी सेवा करने में, जो इसका देख रेख करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पूरी टीम है जी, रमेश दानसु भाई, संदीप चौरण जी, अंकित मान,
दीपेंद्र खरब, विशाल चौधरी और डॉक्टर कृष्ण गढ़ी, और एक हमारा ये काम वाला लड़का है, नाम तो इसका नीतीश कुमार है, लेकिन हम इसको धन्नो का कटड़ा बोलते हैं। अच्छा, और इसका व्यवहार भी धन्नो के साथ ऐसा ही है, धन्नो हाँ, वो उधर चक्कर काट रही है तो यहीं से आवाज दे रहा है, नहीं धन्नो भैंस इसी को चाट के दूध देती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है, पशु से लगाव वाली, प्रेम वाली बात है, ये भी पशु भी जो है प्रेम की भाषा को समझते हैं। तो भाई जी, आप आज धन्नो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात ये है जी, 2015 में मैं लेके आया था जी, और लोगों ने आज तक इतना दूध देखा नहीं था जी। मेरे को गांव में जब सत होती है, सत समझते हो, गांव के बीच में जहां बुजुर्ग आदमी, गांव के लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बिल्कुल ताश खेलिया करते हैं, वहां से लोगों ने बताया करना जाके के तन्नो भैंस है एक लक्ष्मी डेयरी फार्म की, उसने इतना दूध दिया है जी। तब वो गांव वाले ये बोलिया करते भी ये तो झूठ है, इतना दूध तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। फिर मेरे को फोन आना, फोन उन्होंने स्पीकर छोड़ के बात करवानी, तो मैंने बताना भी वाकई सच्चाई है। जो मेला देखने आए थे गाँव में बात करते तो बुजुर्ग लोग, गाँव के लोग, नौजवान मान्या नहीं करते भी इतना दूध होया नहीं करता। इसने सबसे पहले दूध दिखाया था भाई, इतना दूध भी भैंसों के होता है और इतने नाम जीते हैं। मैं अगर लक्ष्मी डेयरी फार्म की बात करूँ तो 24 से 25 साल हो गए जी। आज 2008 में मेरे पास, मैं पशुपालकों को याद दिलाना चाहता हूँ, 2008 में मेरे पास 23.5 किलो भैंस ने दूध दिया था और मेरे छोटे को 23.5 किलो दूध देके फर्स्ट आई और मेरे छोटे को तीसरा नंबर मिला था। बिल्कुल। मुक्सर का पहला मेला शुरुआत हुई थी तो उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हो। ना तो मेरे को ये पता था मेला आने वाला, ना मेरी को मेले की तैयारी थी, मतलब अचनचेत ये अंदाजा लगा सकते हैं सब लोग या पशुपालक जो मेरी बात सुन रहे हैं भी, कितने सालों से मैं ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और सैकड़े सर्टिफिकेट, सैकड़े नाम, 2016 में तो हद पार होगी सारी, जब उसी टाइम भी ये रानी फर्स्ट रही, तनु सैकड़ रही जी, और फर्स्ट का नाम भी हमारा ही था, सेकंड का भी अपना ही था, और सैकड़ का भी ये तनु थी उस टाइम जी जी। फिर इसने CIRB में जाके जितने रिकॉर्ड, बहुत ज्यादा 7.5 लाख रुपए के नाम एक मुरा ब्रीड के, मेरा ख्याल अभी कहनी बात तो नहीं, मैं कह देता हूँ, आपने कह रहे, मैं कह देता हूँ कि वो 7 लाख रुपए के नाम मुर्रा में फर्स्ट बार इंडिया में आपने ही लिए। हाँ जी, और हाँ जी। किसी का नंबर नहीं है उसमें, और मेरे ख्याल भी उसमें एक तो हमारी छोटी लक्ष्मी मोदी की माँ जी, वो 2 दांत ब्रीड चैंपियन बनी, 2 लाख रुपए का नाम लिया उसने, और इतने नाम, इतनी कैटेगरी जितना किसी ब्रीडर के, मतलब वो तो परमात्मा की कृपा थी, बस की बात नहीं है। चाहे परमात्मा की कृपा, उसके बाद आपकी जो अता है मेहनत, बहुत ज्यादा लगन आपकी, वो भी तो कहीं ना कहीं है ना, इसमें वो तो है जी। मतलब एक शौक था कि दूध के पशु होने चाहिए, जिसका फायदा आज धीरे धीरे मेरे शौक इतना रंग लाया है कि आगे ये बच्चा काम करने लग गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है और नस्ल में इतना बड़ा सुधार हो रहा है। इस तनो भैंस के 2-3 छोटे हैं जो अहम योगदान पशुपालकों को सीमन के जरिए नस्ल में सुधार हो रहा है, अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं, अच्छा तो दूध भी। बलविंदर भाई, अब एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे दर्शक खड़े हुए हैं और जब ये वीडियो डलेगी तो हर आदमी के दिमाग में ये होगा था भाई 27 किलो 250 ग्राम दूध की भैंस मेरे भी खूंटे पर होनी चाहिए। हाँ जी, तो कुछ किसान भाइयों को, भाई जी का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, चॉइस साहब का एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं ये काम आएगा जो हमारे देश के किसान भाई हैं उन्हें बताने के लिए कि आप भी इस लाइन पे चल के इस काम को करके ऐसा पशु तैयार कर सकते हैं, उस पे जरा प्रकाश डालिए। देखो जी, जो आपने ये कहा, अभी हर कोई चाहेगा कि धन्नो जैसी भैंस मेरे खुट्टे पे बिल्कुल खड़ी हो, एक सपना होता है आमतौर पर जी। जब मेलों में भैंसें दूध तोलती है ना भाई साहब जी, तो लोग पसंद करते हैं भी, हाँ इसने 24 तोले, इसने 23 तोले, इसने 27 तोलिया, ठीक है जी। बच्चे छोटे होते हैं, ये भैंस पुरानी भैंस है जी, आज इसने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है इतने बड़े मेले में और दूध तो लिया है, तो इसके बच्चे आज हाजिर हैं। बिल्कुल। इसका बड़ा बच्चा है जो मैं आपका इसके बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ये कोहिनूर है जी, कोहिनूर बुल है। जब 2015 में भैंस आई थी ना जी यहाँ मेले में जी, इसी मेले में फर्स्ट आई थी, तो ये नीचे कटड़ा था। अच्छा अच्छा। आज ये 6 साल का हो गया, इसकी कटड़ियाँ भी लगभग दूध पे आने को चालू ही हैं जी, बस 2-3 महीने में आने चालू हो जाएंगी, और बहुत ही डोमिनेंट बुल है, इसकी बॉडी लाइन, इसकी चमड़ी, सब कुछ बिल्कुल धन्नो पे है जी। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट बुल है, शरीर धन्नो का भी और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बुल है, और ये मान लो कि ये कोहिनूर हो गया जी। दूसरा इसका जो बच्चा हमारे पास तैयार है नाग, ये बुल है जो नाग, ये इसकी माँ धन्नो है, दादी रानी है। अच्छा।
वो भी धनों के बराबर की भैंस है, इनको आपस में फंसा देना ये नहीं पता कौन सी किसको घेर लेगी। हाँ यही नहीं पता है। हाँ जी हाँ सही। और ये नागबुल है जी, ये दोनों कटड़े के सीमन अवेलेबल हैं जी, और जो पशुपालक यूज़ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ आगे जो है अपने पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं। डोमिनेंट लाइन है जी, डोमिनेंट लाइन है। अब मतलब ये कटड़ा तो बिल्कुल धनों पे है जी जी, और बच्चे ये पैदा करते हैं बिल्कुल धनों जैसी कटियाँ जी। हाँ जी। तो चोई साहब, आप और झुट्टी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? झुट्टी के बारे में दूध अच्छा दे रही है जी, कुछ भ्रांतियाँ थी वो भ्रांतियाँ इस बार मिटा देंगे। कहते थे कि ये जल्दी ड्राई हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो भ्रांतियाँ अब की बार ड्राई करने से पहले इसकी लाइव मिल्किंग करवा करके सारी मिटा देंगे। बिल्कुल। और तो भैंस ने अब तक ग्राउंड में जा करके दूध तोला था जी 26 किलो 570 ग्राम CIRB हिसार में, और अब की बार दूध तोला भैंस ने 300 किलोमीटर घर से दूर आकर के जी 27 किलो 250 ग्राम पहले वाले अपने खुद के रिकॉर्ड अपने खुद के रिकॉर्ड को सुधार दिया इसने। हाँ, बिल्कुल। मैं एक बात करना चाहूंगा जी, आप इसके कहां कहां क्या रिकॉर्ड हुए वो बात नहीं करी, एक हाँ, मिनट में वो पूरा कर दें। इसके रिकॉर्डों की बात करें भाई साहब, तो 2015 में PDFA जगराओं में 24,333, उसके कुछ ही दिन बाद मुक्सर का मेला लग गया था जी, नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप मुक्सर 25,977, CIRB हिसार में एशियन बफेलो कांग्रेस लगी थी 2018 में उसमें वहाँ पे 25,205, उसके बाद जहाँ से लाइव मिल्किंग का रिवाज चालू हुआ था ये मिल्किंग है जी। हाँ 2018 में, 2018 में मार्च में लगी थी ये, 15 मार्च के आसपास, वहाँ 26 किलो 570 ग्राम दूध दे के इसने नया रिकॉर्ड इंडिया का सेट कर दिया था जी। उसके बाद फिर बफेलो मुरा एसोसिएशन का मेला लगा था सिंगवा गाँव में, मशहूर गाँव है सिंगवा, वहाँ पे ये भैंस ने 25,226 किलो दूध तोल के वहाँ पे भी फर्स्ट आई थी जी। ठीक है जी। उसके बाद फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग इसकी 2019 में करवाई गई 29 किलो 381 ग्राम की जी, और आज का नीचे ये रिकॉर्ड आज जगरामा मेले की ये धनों हमारी शान बनी है, इसके पाँव हाथ लगाता हूँ, मान लो तंदुरुस्त रहे। तो भाई जी आपने सब कुछ धनों के बारे में बताया और समझाया, जिससे मेरे किसान भाई कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। साथियों, आपने लक्ष्मी डेयरी फार्म किसान धनों को आज यहाँ मेले में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखा और जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।